यह कहानी शुरू होती है अमेरिका के दो मशहूर लॉयर जूलियन और उनके दोस्त जॉन से। जूलियन जो बहुत रईस था, उसकी 7 फिगर इनकम, रहने के लिए एक आलीशान मेंशन, प्राइवेट जेट्स और जूलियन के पास एक बहुत ही खूबसूरत रेड फरारी थी। मतलब एक मिडिल क्लास इंसान खुश रहने के लिए जिन चीजों के बारे में सोच सकता है वो सारी चीजें उसके पास थी, पर फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं था। वह दिन में 18 घंटे काम करता, जिसके कारण वो 50 की एज में ही 70 का दिखने लगा था। पर एक दिन अचानक ही उसे भरे हुए कोर्ट में दिल का दौरा पड़ता है और वो कोर्ट की फर्श पर गिर जाता है। उसे ICU में एडमिट किया जाता है और टाइम पर ट्रीटमेंट होने के कारण वह बस तो गया था। पर डॉक्टर्स ने उसकी हालत को देखते हुए जूलियन से कहा कि उन्हें अपने स्ट्रेस से भरे काम और लाइफ के बीच में किसी एक चीज को चुनना होगा। इस बात को सुनकर जूलियन गहरी सोच में पड़ जाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी केस हारा नहीं था, लेकिन आज वो अपनी खुद की जिंदगी के केस को हार गया था। और धीरे धीरे उसे अपनी सारी गलतियां समझ में आने लगी। एक दिन सुबह उसने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपने आलीशान मेंशन, प्राइवेट जेट और यहाँ तक कि अपने रेड फरारी को भी बेच दिया। इन सब चीजों को बेचकर वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझने के लिए बिना किसी को बताए हिमालय की यात्रा पर जाने का फैसला किया। जब जूलियन वापस आया तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को उन चीजों के बारे में बताया जो उसने इस जर्नी में सीखी है। अगर आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जरूरत है तो दोस्तों आपको द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में बताई गई कहानी आपको ज्ञान, साहस, पॉजिटिविटी, मीनिंग और पर्पस के बारे में सिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आपका मेरे YouTube चैनल वाइट बुक ट्रेडर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को जानने का सफर शुरू करते हैं। जूलियन ने अपने दोस्त जॉन से बताया कि किस तरह से शिवाना के उन सन्यासियों से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसे हासिल हुआ है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। यह ज्ञान जीवन के उन अनमोल 7 सूत्रों का। जूलियन ने इन ज्ञान के सूत्रों को बताते हुए अपने आंखें बंद कर ली, जैसे मानो वह इस दुनिया से परे वापस हिमालय की उन वादियों में चले गए हों। उन्होंने जॉन को भी अपनी आंखें बंद करके वो जो बता रहे थे उसकी कल्पना करने को कहा। ये वही कहानी थी जो सन्यासी ने जूलियन को सुनाई थी और अब यही कहानी जूलियन अपने दोस्त को सुना रहे थे। जूलियन कहने लगी कि तुम एक शानदार हरे भरे और सुंदर बगीचे में बैठे हो। पूरा बगीचा बहुत ही सुंदर फूलों से भरा हुआ है। तुम्हारे आसपास सब कुछ शांत है। इस बगीचे में तुम सच का स्वाद लो, मानो जैसे तुम्हारे पास समय ही समय है। अब सामने की ओर तुम्हें एक लाल रंग का एक बड़ा सा लाइट हाउस नजर आता है और अचानक से उस बगीचे की शांति भंग हो जाती है। तभी एक दरवाजे की टूटने की आवाज आती है, जिसमें से एक सूमो पहलवान बाहर आता है और बगीचे के बीचों बीच घूमने लगता है। उस सूमो पहलवान ने एक पतली सी तार का लंगोट बना रखा है। जैसे ही सूमो पहलवान आगे बढ़ता है, उसे अपने सामने एक सोने की घड़ी दिखाई देती है जो मानो कई सालों से वहीं पड़ी हो। उस घड़ी पर पैर पड़ते ही सूमो पहलवान गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सांस लेते ही उसे गुलाब के फूलों की सुगंध आती है और वो तुरंत वापस खड़ा हो जाता है। वो संभालते हुए वह आसपास देखने लगता है और उसे झाड़ियों में से एक रास्ता दिखता है जो ढेर सारे हीरो से भरा पड़ा है। बिना वक्त गवाए वो सूमो पहलवान उस रास्ते पर निकल जाता है और तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। ये कैसी अजीब सी कहानी थी, क्या तुम इस कहानी को सुनने के लिए इतने दूर गए थे? जॉन ने जूलियन से बड़ी बेबाक आवाज में पूछ लिया। इस पर जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने भी शिवाना के सन्यासी से कुछ ऐसा ही सवाल पूछा था जब उस महान सन्यासी ने जूलियन को ये कहानी सुनाई थी। और जॉन ने भी जूलियन की ही तरह कहानी में छुपे हुए उन 7 सूत्रों को नजरअंदाज कर दिया था। और अब बारी थी जिंदगी के इन्हीं छुपे हुए 7 सूत्रों को जानने की। पहला सूत्र, इस काल्पनिक कहानी में बगीचा हमारे मन को दर्शाता है। अगर आप अपने मन को विचलित होने से रोकते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं, तो तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों से कहीं ज्यादा खिलेगा। और अगर तुम उसमें गलत विचार पालते हो तो तुम्हारे मन के बगीचे में नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। एक बगीचे में हम जैसे बीज बोते हैं, हमें उसी तरह के फल और फूल मिलते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने दिमाग में लगातार सकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग भी उसी खूबसूरत बगीचे की तरह हमें अंदर से संतुष्ट और उपजाऊ रखेगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर नकारात्मक विचार भरते हैं तो इसका अंजाम भी गलत ही निकलता है। हमारे जीवन में गलतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन के हर एक सबक से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का पहला सिद्धांत। इस कहानी का दूसरा सूत्र छुपा हुआ है उस लाइट हाउस में, जो कि हमारे जीवन के सभी उद्देश्यों को दर्शाता है। जिस तरह से एक लाइट हाउस सटीकता से किसी भी नौका या जहाज को अपनी रोशनी से सही रास्ता दिखाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं की ओर सटीकता से बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से जानना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। भले ही इसमें देर लगे, लेकिन एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक जुनून की जरूरत है और उस जुनून को पाने के लिए हमें अपने अंदर आत्मशक्ति और धैर्य का निर्माण करना चाहिए। यह करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। नंबर 1, हमें हमारे मन में अंतिम परिणाम का साफ चित्रण रखना होगा। उस इनाम की कल्पना करनी होगी जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
नंबर टू, हमें हमारे ऊपर सकारात्मक बदलाव बनाए रखना होगा जिससे हम हमारे लक्ष्य के मार्ग से भटक न जाएं। नंबर थ्री, मंजिल हासिल करना ही एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक निर्धारित समय भी तय करना अनिवार्य है क्योंकि हमारे जीवन में कई सारे लक्ष्य हैं जिसे हमें पाना है। नंबर फोर, अपने लक्ष्य को किताब में लिख कर रखें और रोज सुबह उठकर उस किताब को खोल कर देखें जिससे तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की प्रेरणा बनी रहेगी और तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। नंबर फाइव, 21 अंक का जादुई नियम। ये सब तकनीक और जादुई नियम तुम्हें लगातार 21 दिनों तक और निरंतर एक ही समय पर करना होगा जिससे वह बात तुम्हारे रोजाना नियम यानी रूटीन का एक अहम हिस्सा बन जाएगी। जिंदगी का वो तीसरा सिद्धांत कहानी में अजीब से दिखने वाला उस सुमो पहलवान केंजे से जुड़ा हुआ है। केंजे एक चाइनीज चिन्ह है जिसका मतलब होता है निरंतर सीखना और निरंतर सुधार करते रहना। एक सुमो पहलवान को अपनी खुराक के साथ साथ अपने अनुशासन का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ अनुशासन का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने मन को काबू में भी रखना चाहिए, हमें उसे अपने शरीर का एक अहम हिस्सा बना लेना होगा। कामयाबी हमेशा हमारे ही भीतर से आती है। हम अपने आप को अपने विचारों को कैसे रखते हैं कामयाबी उस पर निर्भर करती है। हमें हमारे मन और आत्मा को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए। तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां आएंगी पर उनसे घबराने से उनका समाधान नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चौथा सिद्धांत समझाता है उस सुमो पहलवान की लंगोट में। जी हाँ, वो लंगोट जो पतले तार से बनी हुई थी। कोई भी तार ढेर सारे पतले तारों को जोड़कर बनती है। भले ही ये पतली तारे अपने आप में कमजोर हो लेकिन साथ मिलने पर ये एक मजबूत तार बन जाती हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन अच्छी आदतें होती हैं जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ये सभी साथ मिलकर एक बड़ा फर्क दिलाती हैं। फिर चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो या फिर पौष्टिक खाना खाना हो, ये सभी आदतें भले ही ज्यादा बड़ी न लगती हों लेकिन एक लंबे समय के बाद यही चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं और आपकी सफलता तय करती हैं। अपने अंदर हमेशा एक सकारात्मक इच्छा शक्ति का संचार बनाए रखें जिससे आपकी आत्मा हमेशा शीतल बनी रहेगी। इस कहानी का पांचवा सिद्धांत उस कोने की घड़ी से जुड़ा हुआ है जिसे उठाते वक्त सुमो पहलवान गिर जाता है। आप समझ ही गए होंगे यह घड़ी हमारे जीवन के समय को दर्शाती है। अमीर हो या गरीब सभी के पास हर रोज 24 घंटे ही होते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेवजह काम टालने की आदत होती है। यह सरासर वक्त की बर्बादी है। समय का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त काम ही काम करें लेकिन अपने काम सामाजिक जिंदगी और परिवार के बीच इस समय का एक अच्छा संतुलन बनाएं क्योंकि हर सफल इंसान दिन में उसी 24 घंटे में वो सब कुछ कर लेता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते रहते हैं। एक बार समय हमारे हाथ से फिसल गया तो वापस कभी लौट कर नहीं आने वाला, इसलिए हमें समय का सम्मान करते हुए उसका आदर करते हुए उसका हमेशा पालन करना आना चाहिए। छठा सिद्धांत जुड़ा हुआ है गुलाब के फूल से जिसे सूंघकर उस पहलवान को होश आया था। एक मशहूर चीनी कहावत है कि जो लोग दूसरों को फूल देते हैं अक्सर उनके हाथों में फूल की खुशबू रह जाती है और यही खुशबू दर्शाती है एक सामाजिक कारण को। भले ही आप कितने भी अमीर क्यों न हो, दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग दान पुण्य कर अपने मन को संतुष्ट करते हैं। तो यदि आपको भी यही सुख चाहिए तो दूसरों की मदद करना सीख लीजिए। एक मशहूर कहावत है कर भला तो हो भला। यह कहावत इस सिद्धांत को दर्शाती है। हमें अच्छाई के काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए और किसी अच्छे काम के बदले अच्छे फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें बिना किसी स्वार्थ के भलाई के काम करना चाहिए। तभी हमारी अंतर आत्मा को भी खुशी मिलेगी जिसे हम चंद शब्दों से बयान नहीं कर सकते। आखिरकार इस कहानी का आखिरी यानी जीवन का सातवां सिद्धांत जुड़ा हुआ है कहानी के नायक के रास्ते से। ये हीरे कुछ और नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के वो छोटे छोटे पल हैं जो हमें ढेर सारी खुशियां देते हैं लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर अपने अतीत के बारे में सोच कर दुखी होते हैं या फिर अपने भविष्य के बारे में परेशान और इन सब में हम अपने आज को जीना भूल जाते हैं। फिर चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपने बच्चों के साथ खेलना या किसी दोस्त के साथ एक कप चाय पीना, यह सभी हसीन पल हमारे जीवन में उन अनमोल हीरो की तरह होते हैं जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। कामयाबी के लिए कभी भी अपनी खुशियों को गला मत घोटना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसी रास्ते पर चलते चलते तुम्हें अपनी खुशियों का एहसास जरूर होगा क्योंकि खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती बल्कि हर छोटी चीज में इस खूबसूरत एहसास का आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बार फिर से, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हाँ इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।